इतना बड़ा साइज का नाव, वो है पाती बुनिया घाट। एक टिप्स देना चाहता हूँ तुम लोगों को, जो जो मौसूनी आइलैंड आना चाहते हो, हेलो ब्यूटीफुल बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 मिलियन मेमोरीज। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनिक। दोस्तों मैं मेरा ये अभी मौसूनी आइलैंड का सीरीज चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाया था घर से यहाँ पर मौसूनी आइलैंड के एक ऑफ बीट रिजॉर्ट में मैं आया था। पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, दूसरा वीडियो आपको दिखाया था मौसूनी आइलैंड का जो ऑफ बीट जो जगह है, जो रिजॉर्ट है जिसमें स्विमिंग पूल है, उसका वॉक अराउंड टोटल ए टू जेड वीडियो, ए टू जेड डिटेल के साथ वो वाला भी वीडियो मैं दिया था। अभी अपना पूरा ख़त्म हो गया है यहाँ का टूर, अभी हम लोग रिटर्न जाने वाले हैं। जो जो अभी तक पुराना वाला वीडियो देखे नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज़रूर ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा वो वीडियो। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, ऐसा जगह, ऐसा मौसूनी आइलैंड का वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा, कोई भी वीडियो में नहीं देखा होगा, ऐसा एक खूबसूरत बीच ऑफ बीट डेस्टिनेशन। तो वो वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, शायद इधर में या ऊपर में कहीं पर भी वो आ रहा होगा, देख लीजिए। और अभी जो है अपना पूरा इधर का ख़त्म हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया हूँ और अभी हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। खूबसूरत जगह दिखाने का कोशिश करूँगा, तो ये वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ अगर जानकर जानना हो तो कमेंट कीजिएगा। तो फिर चलिए आज का ये जर्नी शुरू करते हैं। तो ये है अपना जो रिजॉर्ट का जो रूम है, और ये है अपना रिजॉर्ट का रूम, और ये एक बार आप रिजॉर्ट देख लीजिए। जो जो अभी तक पुराना वाला वीडियो देखे नहीं हो, ये वाला वीडियो से स्टार्ट किया हो देखना, जस्ट ये रिजॉर्ट का एक बार आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा रिजॉर्ट है। और ये है अपना गाड़ी, यहाँ पर फुल्ली लोड कर लिया है पूरा बैग वगैरह। और अभी इधर में इतना, मतलब कल जो है रात को थोड़ा बारिश हुआ था, थोड़ा धूल मिट्टी गया है, तो इधर में पूरा बाली देखिए ऐसा है लग रहा है। तो इधर में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल अभी साफ सफाई चल रहा है। और ये है अपना रिजॉर्ट, बहुत ही खूबसूरत सा रिजॉर्ट है। और एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि रिजॉर्ट के सामने कहाँ पर है समुंदर। रिजॉर्ट का वो वाला अपना रूम है, और यहाँ से जस्ट आइएगा और देखिए सामने ही देखिए स्विमिंग पूल है, सॉरी सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल अंदर है। ये देखिए समुंदर है, कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। शाम के टाइम में इधर घूमने का टहलने का मज़ा ही आ जाता है, सही में बता रहा हूँ। जो जो अभी तक पुराना वाला वीडियो देखे नहीं हो, ज़रूर इसके बाद तो ज़रूर देख लो, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगा, मतलब ये जगह देख के नज़ारे देख के आप लोग भी अच्छा लगा हुआ, तो ज़रूर पुराना वीडियो देख लो। इतना खूबसूरत सा व्यू है, देख लो मौसूनी आइलैंड में ऐसा भी नज़ारा होता है, ऐसा भी बीच होता है, आप लोगों को शायद पता भी नहीं था, तो मैंने वो उसको पूरा कवर किया हूँ जितना हो सका है। तो एक बार वीडियो देख लो, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाड़ी भी लोड गया हो गया है, अभी रिटर्न जाते जाते आप लोगों के साथ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में बात करते इसके। तो अभी हम लोग रिसोर्ट से तो बाहर आ चुके हैं, अभी जाना है वही वाले घाट पे। घाट का नाम यहाँ पर पूछा तो कोई बोल नहीं पाया, वो चिनाई नदी का ही घाट होता है। तो देख लीजिए कैसे छोटा सा रास्ता गए, और गांव कितना खूबसूरत है। अरे मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम लोग के इधर में उतना फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या करेंगे, अच्छा लगता नहीं है, टाइम पास नहीं कर सकते, और शहर में जाते तो अच्छा होता। तो यहाँ का लोगों के बारे में जब सोचता हूँ, बहुत सारे ऐसे रूरल विलेज में मैं गया हूँ, तो सोचिए इन लोग का क्या करते हैं, इन लोगों का तो मतलब टाइम पास करने के लिए कुछ होता भी नहीं है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ है भी नहीं है। हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पर नेटवर्क बहुत बढ़िया है, ये है, और बाकी का कुछ फैसिलिटीज तो है भी नहीं मज़े करने लायक। ये सब देख के ना अपने हम लोग जहाँ पर रहते हैं सोचते कितना अच्छा जगह पे रहते हैं, अगर ऐसा जगह पे हम लोग रहते तो क्या कर सकते, क्या ही करते। तो जो भी हो ये जगह हमको बहुत ही अच्छा लगा और खूबसूरत है, एक ऑफबीट जगह है। अरे मुर्गा पकड़ लो इसको। तो मुर्गा देख के मेरा पुरुलिया का मुर्गा का याद आ गया, जो जो मेरा पुरुलिया ब्लॉग अभी तक देखे नहीं हो एक बार देख लेना, मज़ा आ जाएगा। पुरुलिया का बहुत सारा ऑफबीट जगह मैं कवर किया था, तो एक बार देख लेना, वो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे घाट के इधर में देखो, जैसे सुंदरबन में मैनग्रोव का जंगल मिलता है वैसा ही लग रहा है। यहाँ पर देखो मिट्टी से पूरा शिखर जो है
वो बाहर से रुका उठ उठ गया, क्योंकि ये मिट्टी के नीचे रहा था लेकिन पानी में ये मिट्टी धूल गया है, तो इसलिए ये सब इधर से दिख रहा है। इधर में भी ऐसा है, क्योंकि ये जो शाखाएं हैं नीचे में वो जड़े हैं, वो एकदम मिट्टी के नीचे रहते हैं, लेकिन ये पानी ये जो मिट्टी है ढूल के लेके गया है, इसलिए जो जड़े हैं ऊपर आ गए। देखो पूरा ऐसे सुंदरबन में जैसा नज़ारा होता है ना वैसा लग रहा है। देखो नाव है, कितना बड़ा साइज़ का नाव है, वो पीछे बहुत ही बड़ा साइज़ का नाव है। इसी ऐसे ऐसे नाव में सब सुंदरबन में जब टूरिस्ट के लिए जाते लॉन्च जो बोलते हैं उसका भी इतना बड़ा नहीं होता है, ये बहुत ही बड़ा नाव है। ये ऐसे नाव में ही सब मछली पकड़ने के लिए जाते। वो देखो अगर कैमरा में आ रहा है कि नहीं पता है, उनमें दो बच्चे जो है वहाँ तक चले गए हैं मछली वगैरह कुछ पकड़ रहे, पता नहीं क्या है, नहा रहे हैं, वहाँ तक चला गया। देखो ये भी है हमारे, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, और वो वहाँ से वो है पाती बुनिया घाट, वहाँ पर जाना है हम लोग को नाव से, वहाँ से नाव आएगा फिर जाएंगे हम लोग। तो देखो बात यह है कि एक टिप्स देना चाहता हूँ तुम लोगों को, जो जो मौसुनी आइलैंड आना चाहते हो, टिप्स ये है कि भाई ज्वार भाटा का टाइमिंग देख के आना। अगर बाइक लेके आना चाहते हो, फिर भी ऐसे ही आना चाहते हो, मतलब तो बाइक लेके नहीं जाना लेके जाना चाहते हो, ट्रेन से आ रहे हो, सिर्फ नाव से उस तरफ जाओगे, फिर भी ज्वार भाटा का टाइमिंग देख के आना। ज्वार का जो टाइमिंग टाइम होगा उसी से आना, क्योंकि भाटा के टाइम पे क्या होता है, लहरें जो है वो एक डायरेक्शन में जाता है, हवा जो है दूसरी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो नाव जो है वो स्ट्रगल करता है, तो इसीलिए इतना हिलता है ना, बाप रे बाप। जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उन लोग का हालत ख़राब हो जाएगा, हम लोग का जैसे हो गया था। यहाँ का जो लोग है वो लोग एकदम चिल पिल है, एकदम कोई टेंशन नहीं है भाई, ये तो अपने लिए पूरा रेगुलर का बात है, अपने को कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोग जो जिनके लिए रेगुलर एक्सपीरियंस नहीं है उन लोग का हालत ख़राब हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से फटेगा। और यहाँ पर जो है लाइफ जैकेट भी अवेलेबल नहीं होता है नाव में, ये होना मेरे लिए मतलब मैं बोल रहा हूँ मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत टूरिस्ट भी आते हैं ना। तो ये अगर वीडियो कोई देख रहा है, कोई गवर्नमेंट से कोई देख रहे हो, तो प्लीज़ आप यहाँ पर लाइफ जैकेट की अरेंजमेंट करवा दो, मैंडेटरी कर दो भाई। सही में फट गया था अपना, इतना हिल रहा था ऐसे, मान लो ये नाव है ऐसे पूरा हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है, तो बताओ यार ऐसे अगर ऐसे ऐसे कोई करेगा, नॉर्मली ऐसा होता ठीक है, ऐसे ऐसे करेगा तो पूरा तो लग जाएगा ना। ये वाला लोकेशन है जेटी घाट, इसका स्टॉपेज का नाम है जेटी घाट। कोई अगर हेनरी आइलैंड जाना चाहते हो तो जेटी घाट से लेफ्ट लेना पड़ेगा, ये वाला रास्ता जा रहा है हेनरी आइलैंड, तो याद रखना अपने को अगर हेनरी आइलैंड जाना हो तो जेटी घाट आना है, जेटी घाट से हेनरी आइलैंड जाना है। और नहीं तो यहाँ का जो लोकल साइट सीन के लिए तुम लोगों को टोटो वगैरह ई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, वही पूरा कवर कर देगा। वैसे मैं इसका एक सेफर एड वीडियो बनाऊंगा साइट सीनिंग का, उसमें भी अब तुम लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और अभी बक्कली और 4 किलोमीटर दूर है, बक्कली में भी विंड मिल का पंखा है, देखो चारों ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा है, लेकिन ये अभी काम नहीं करते, बंद है, जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था राजस्थान में जाके आप लोगों को दिखाया था, ये विंड मिल का जो पंखा, ये विंड मिल वाला वैसा ही है, लेकिन ये अभी काम नहीं करता, ये बंद है। लेकिन दूर से नज़ारे बहुत खूबसूरत आ रहे हैं, और उस तरफ से एक जगह था मैं देख रहा था कि उधर जा रहा है बीच की तरफ, और ये देखो इधर में एक के बाद एक होटल चालू हो गया है, अभी अपने को इधर में एक होटल लेना होगा, शर्णावशन होटल संजोग 1200 से स्टार्ट होता है। ये होटल ब्लू मून है, ये नया बना है, ये भैया रास्ते में मिले बोले थे थोड़ा देख के जाने के, तो देखने के लिए आए, अगर पसंद आता है तो ले लूँगा। ये इसका नंबर भी इधर है, देख लो इधर भी नंबर लिखा हुआ है, और गाड़ी वगैरह अगर लाते हो तो इधर भी पार्क कर सकते हो, और एक गाड़ी होता है तो इसके अंदर भी लेके जा सकते हो। अभी हम तुम लोगों को रूम दिखाता हूँ, और ये है रिसेप्शन, ये एकदम नया होटल अभी बन रहा है तो इसीलिए उस तरफ में देख सकते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये है रूम,
ये जो बेड है ये आराम से तीन जन सो सकते हो। इधर में एक टेबल चेयर सब कुछ है और वॉशरूम दिखाते हैं। ठीक ठाक ही है, 900 रुपये बोल रहे हैं। ये है रूम, ये ब्लू मून होटल है। इसके बाजू में ही इन्हीं का एक होटल है, यह भी नया है और इसका नाम है होटल ब्रिनी। तो नंबर वो ही, दोनों नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ये है रिसेप्शन। यहाँ पर कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो बंगाली में लिखा हुआ है। होटल रात के 10:30 बजे तक खुला रहेगा, सुबह 5 बजे खुलेगा। ये इसका जस्ट डेकोरेशन वाला, जस्ट देखो ना कैसा क्या है। ये एक रूम है, आराम से इधर 3-4 जन सो सकते हैं। और ये है टॉयलेट, साफ सुथरा टॉयलेट भी है। बड़ा रूम है, उस पिछले वाले से ये वाला रूम बड़ा है। और इधर में भी और एक है रूम। यहाँ पर भी आराम से तीन से चार जन सो सकते हैं। अरे इसका वॉशरूम भी अच्छा है। बुकिंग के लिए यहाँ पर नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। 12 बजे का चेक इन टाइम होता है, चेकआउट है 10 बजे। और ये है रिसेप्शन। और बाहर में इतना जो जगह है, यहाँ पर गाड़ी भी रख सकते हैं और बाइक वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। ऊपर में सीसी कैमरा भी है। और ये है इसका अच्छे से मेंटेन किया हुआ ये होटल है। और रूम भी बहुत साफ़ सुथरा ही है।